श्रावस्ती में मंडल स्तरीय बाल क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल ने की। इस दौरान छात्रों ने अपनी प्रतिभा और अपनी रुचि के अनुसार खेलों का प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि इस खेल प्रतियोगिता में बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बहराइच स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मंत्री अनुपमा जायसवाल ने बच्चों का हौसला अफजाई किया और बच्चों से कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलने की भी जरूरत है, जिससे कि स्वास्थ्य और दिमाग दोनों सही रहता है। स्कूलों में इस तरीके से मंडलीय खेल कूदों का आयोजन कराया जाता है, जनपद स्तर पर, मंडलीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर। उसी के निमित्त आज यहाँ एक मंडलीय आयोजन है, हमारे बेसिक शिक्षा प्रतियोगिता है, उसी में आज मेरा यहाँ आना। क्या प्रोत्साहन दिया है बच्चों को इस खेलकूद क्रीड़ा के लिए, कुछ जीत को लिए, कुछ उपहार वगैरह कुछ? देखिए, कभी हम लोग पढ़ते थे तो कहा जाता था कि पढ़ने वाले बच्चे खेलने कूदने में ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसी सीख दी जाती है। लेकिन अब समय बदल चुका है और खेल का महत्व सभी ने समझ लिया है। आपको बता दें कि बच्चों ने भी अपने हुनर को दिखाया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं ने हिस्सा लिया। पंजाब केसरी टीवी के लिए श्रावस्ती से मोहम्मद कासिफ की रिपोर्ट।